ये क्या नली है? अच्छा प्याज है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है ताड़ा? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, फनी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले मैं वीडियो जो थी फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे मैं रिकॉर्ड करूँ। फिर मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं जिसमें मैंने ये देखना चाहा है कि लोग कैमरा पकड़ते कैसे हैं और इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस विद अ बैक कैमरा, और अगर हमें फ़ौरन से अगले को दिखाना है तो हम ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। सो फ़ौरन से ऐसे और फिर ऐसे। सो आई थिंक कि अब मैंने सीख लिया है कि हम व्लॉग बनाएंगे कैसे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब देखते हैं कि हमारी वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं। वैसे यार गाइस, मुझे बार बार रिकॉर्ड करना पड़ा है, क्योंकि जब मैं बाद में अपना क्लिप देखती हूँ तो पता चलता है कि यार मैंने बहुत ऊपर कैमरा पकड़ा हुआ है, फिर कभी देखती हूँ तो बहुत नीचे कैमरा पकड़ा हुआ है। सो एवरीवन, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। आई डोंट नो कि ये व्लॉग बनने कैसा वाला है, बट लेट्स ट्राई and we will try again. Okay, so I am going to eat nihari with my family. बहुत अरसा हो गया ना तो मैंने निहारी खाई है और ना ही मैं family के साथ ऐसी किसी जगह पर गई हूँ, normal, you know, देसी place पर। So अब हम चलते हैं, पहले ready होते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं निहारी खाने के लिए। So guys, stay tuned, अभी मैं तैयार होकर आती हूँ। और ये आया है मेरा मन्ना। मन्ना, अब कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं क्या खाने जा रही हो? मैं सो एवरीवन, आई गॉट रेडी अ लिटिल बिट, और क्योंकि मेरा तैयार होने का बिल्कुल दिल नहीं करता जब मैं घर पे होती हूँ या फैमिली के साथ कहीं पे भी मुझे जाना होता, मैं बिल्कुल तैयार होकर नहीं जाती। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं और देखते हैं कि हमें खाने में क्या मिला। मन्नत, शो मी। ओह वाओ, यू आर लुकिंग सो प्रीटी मन्नत। ओके, मैं ये पहनी जानू। शो मी योर इयररिंग्स। वाओ, एंड व्हाट अबाउट योर पोनी? यो शो मी योर पोनी। वाओ, लवली। मन्नत पोज चेंज करो। ओ क्या गिर गया, इट्स ओके। मैंने पोज करो, आपका अब यही है ना, ये वाले वाओ। मन्नत पोज करिए, अब खाला इसकी पिक्चर्स क्लिक करेंगी। I don't know honestly how people record vlogs in front of people. मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता है, but I will try. सब मुझे देखेंगे, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन चलो try करते हैं आप लोगों के लिए। I'm here. This is near my house. So let's go inside and see कैसा experience है। So guys, this is the sitting area. ऊपर वाली side पे उन्होंने families के लिए जगह बनाई हुई है। I was not expecting this, but yeah, this is a good place. So Nihari is here in no time. ये क्या नली है? अच्छा प्याज है। It is not hot. गार्निशिंग चल रही है। वाह वाह वाह। मम्मा कहाँ हैं?
सो जी ये बन गई है मेरी प्लेट। नाउ लेट्स ट्राई कि ये है कैसी। ऑनेस्टली मेरी मामा तो बहुत मज़ेदार बनाती हैं तो मुझे तो उन्हीं की पसंद है, बट ये भी ज़्यादा बुरी नहीं है लग रही देखने में। तो चलें जी अब हम ट्राई करके देखते हैं। ये हमने नवाला बना लिया और गुड, अच्छी है, बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। ये आ गई है जी खीर, लेट्स ट्राई आउट हाउ इज दिस। ओपन करते हैं, दिस इज लुकिंग गुड, बलूदे की तरह की लग रही है। मुझे लगता है ट्राई हाउ इज जिगल जिगल गुड, अच्छी है यार। आप भी खा के देखें, बहन को भी हम अपने ट्राई करवाते हैं और फिर बाकी सारी हम खा जाते हैं। अनन्या आपने तो कुछ भी नहीं खाया, आपने तो कुछ भी नहीं खाया, आप क्या खाओगी आज? जो चले ले जी, हम बाहर आ गए हैं और बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है और अब हम घर को चलते हैं। फैमिली के साथ आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट विद फैमिली, इट्स वेरी ऑकवर्ड, आई डोंट नो। मतलब हम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, वैसे बाहर जाते रहते हैं, सो फैमिलीज के साथ आना बहुत ही अलग तरह की फीलिंग होती है और बहुत ही, मतलब मुझे समझ नहीं आता। खैर, I don't know what to say. Please share you guys your experience कि आप जब फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो how you feel, कैसा experience जाता है? It was good वैसे। समझ नहीं आती है कि बेबी इसको किस कैसे करे, क्योंकि वो फिर ऐसे So everyone, we are back home. और सबको ऐसी सुस्ती चाहिए कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, बाकी मेरा पूरा घर सो चुका है ऐसे जैसे कोई नशा करके सो रहा है। लेकिन यार संडे वाला दिन हमेशा ऐसे ही होता है, फैमिली के साथ गुजर जाता है, कुछ इतना ख़ास होता नहीं करने को और बहुत जल्दी गुजर जाता है। ऐसे लगता है कि संडे अभी, मतलब मुझे लगा अभी मैं उठी थी और अभी शाम भी होने वाली है। सो वैसे तो मेरा हर दिन ही वर्किंग डे होता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे या संडे को मैं काम नहीं कर रही हूँ। आज बहुत देर के बाद मैंने ये संडे अपनी फैमिली के साथ गुजारा है और मुझे अच्छा लग रहा है, सुकून हुआ सबके साथ टाइम गुजार के, वरना संडे को भी शूट पे जा रही होती। गाइज आई होप यू एंजॉयड माई व्लॉग, आई एम ट्राइंग टू यू नो शेयर एज मच एज आई कैन, और उसके अलावा यू गाइज कैन प्रमोट माई वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक व्लॉग बना रही हूँ कुछ अरसे के बाद, जिसमें मैं कहूँ कि आई बॉट माई ड्रीम कार विद माई यूट्यूब इनकम, सो आई रियली वॉन्ट टू गेट अ कार, अ लग्जरी वन, सो यू गाइज विल हेल्प मी आउट आई एम श्योर। सो यू गाइज लव यू सो मच एवरीवन।